जब मैं सेक्स एजुकेशन कहता हूँ तो आपके दिमाग में स्कूल की बेंच पर टीचर से छिपकर हंसने वाला लम्हा आ जाता होगा। सब इस वक्त से गुजर चुके हैं, मेरा यह वक्त इस साल आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सेक्स एजुकेशन, रिप्रोडक्शन जैसे वर्ड मुझे नर्वस और कंफ्यूज करें। इसीलिए हमने खुद उन चंद बड़े बड़े सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की जो अक्सर हमें हमारे टीचर्स पढ़ाने में भी एम्बेरस होते हैं। सेक्स और पोर्न, यह शब्द अक्सर एक साथ सुनाई देते हैं। लोग इन शब्दों को बोलने में इतना डरते हैं कि इनका नाम आते ही इधर उधर निकल लेते हैं। हाँ, दोस्तों के बीच खूब एक्साइटेड होकर बात करते हैं। हमारी सोसाइटी में पोर्न और सेक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमेशा अडल्ट्स के लिए रखा जाता है। दोस्तों, सेक्स एजुकेशन का मतलब होता है हमारे जैसे टीनेजर्स को सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल राइट्स, पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी जैसे इश्यूज़ के बारे में बताना होता है, ताकि आप खुद के और अपोजिट जेंडर के सेक्सुअलिटी एंड बायोलॉजिकल फीचर्स को समझ सकें। दोस्तों, 12 साल की उम्र में आते ही हमारे शरीर में ढेर सारे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं जिसके बारे में हम अनजान होते हैं, तो हम उन चेंजेस को या तो स्वीकार नहीं कर पाते या फिर उन्हें टैबू मानने लगते हैं। दोस्तों, ताजुब की बात तो यह है कि यह हमारे उस समाज में हो रहा है जहाँ पर हर 3 में से 1 लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करा दी जाती है। तो अगर हमारे सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने से किसी की संस्कृति भ्रष्ट हो रही हो तो फील फ्री टू शो योर सेल्फ आउट। अब बात आपकी संस्कृति की नहीं, हमारी ज़रूरतों की है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ पेनिस एंड ब्रेस्ट साइज का बड़ा होना और पीरियड्स आना, ऐसे कुछ बड़े बड़े फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और ह्यूमन नेचर के मुताबिक जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, या तो वो बुरी होती है या फिर बेकार। दोस्तों, अपने रिसर्च में हमें कुछ बड़ी बातें पता चली। दोस्तों, यूनिसेफ की ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड ऑन एडोलसेंस 2012 के अकॉर्डिंग 11% गर्ल्स एंड 5% बॉयज हैव हैड सेक्स बिफोर टर्निंग 15 ईयर्स ऑफ एज, एंड दिस रिकॉर्ड इज वे लेस देन द एक्चुअल डाटा दैट इज नॉट गेट रिपोर्टेड टू द हॉस्पिटल्स, एंड दिस नंबर इज इंक्रीजिंग अलार्मिंगली। गाइस, इतनी कम उम्र में सेक्सुअली एक्टिव होने के कंसिक्वेंसेज हमें नहीं पता होते और अक्सर इसका नतीजा कम उम्र में प्रेगनेंसी या HIV एड्स में होता है। ऐसा मैं नहीं, यूनिसेफ की रिपोर्ट बोलती है। दोस्तों, आज भारत में ही 13 से 19 एज ग्रुप के 50,000 लड़के और 46,000 लड़कियां HIV एड्स से पीड़ित हैं, और बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि वो HIV जैसे घातक वायरस से पीड़ित हैं। दोस्तों, भारत महिला शिक्षा में तो खैर आगे नहीं निकल पाया, लेकिन क्योंकि हम भारतीय जुगाड़ में माहिर हैं तो हम बाल विवाह में ही आगे निकल आए। दोस्तों, यूनिसेफ की ये डराने वाली रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 3 में से 1 लड़की 18 साल की उम्र में ब्याह दी जाती है, कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं संस्कृति के नाम पर, और तो कहीं छिछोरों द्वारा छेड़े जाने की वजह से। दोस्तों, अमेरिका में भी 15 से 18 एज ग्रुप में प्रेगनेंसी रेट 18% है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कैसे एक बार किया गया सेक्स प्रेगनेंसी में बदल जाता है? ये सवाल हर उस 15 से 19 साल की लड़की के मन में था जो उस वक्त अनवांटेड प्रेगनेंसी की परेशानी से गुजरी। दोस्तों, इस सेक्सुअल इलिटरेसी का सबसे बड़ा खामियाजा लड़कियों को उठाना पड़ता है। लड़कियों की ज़िंदगी उथल पुथल होती है, लड़कों की नहीं। और लड़कों और मर्दों के मन में जो लड़कियों और महिलाओं के प्रति अश्लील भावनाएं और असंवेदनशीलता होती है, वह दरअसल इसी अज्ञानता की निशानी होती है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को करते हुए हमने एक बड़े सिविल सर्जन से कंसल्ट किया, एंड वी फाउंड आउट दैट कि सेक्स के बारे में बात करना अश्लील नहीं है। इसके बारे में बात ना करके किसी महिला के बारे में गलत सोचना और गलत व्यवहार करना अश्लीलता है। आप सबको लगता होगा कि ये बच्चे इतने उतावले क्यों हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में, राइट? हाँ, हम उतावले हैं। हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार प्रकृति ने हमारा सृजन किया है। दोस्तों, बच्चे सिर्फ 2 लोगों के संभोग से पैदा नहीं होते, इसके पीछे पूरी प्रकृति काम करती है। नया जन्म सृजन करना इतना आसान थोड़ी है। दोस्तों, जिस पीरियड्स का नाम लेने तक में बेचारी लड़कियाँ डरती हैं, लड़के मजाक उड़ाते हैं, उसी के कारण आज हम और आप हैं। यह अभिशाप नहीं जैसा कुछ धार्मिक गुरु प्रचारित करते हैं, यह वरदान है, और हमारी वैदिक संस्कृति और आयुर्वेदा इसे वरदान ही मानते हैं। इसलिए असम में कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुची नाम का एक मेला लगता है स्पेशली टू सेलिब्रेट मेंसुरेशन। कंसिडरिंग पीरियड्स बैड एंड सिन ऑफ वीमेन वॉज अ बेसिकली इस्लामिक एंड क्रिश्चियन बिलीफ। इन आवर इंडियन फिलोसफी मेंसुरेशन वॉज कंसिडर्ड एज अ सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस एंड मेथड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। दोस्तों, पीरियड्स को टैबो और मजाक समझना हमारी इसी अज्ञानता और सोशल डार्क एज को दिखाता है। दोस्तों, सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण और मन में बसी उत्सुकता के कारण छोटी उम्र में बच्चे पहले यूट्यूब पर लाइट ऑब्सीन देखते हैं और फिर वेब सीरीज और फिर पोर्न देखने लग जाते हैं, जो बच्चों को एक अलग किस्म के दलदल में फंसा देता है। दोस्तों, पोर्न एक एडिक्शन की तरह है जिसे आप देखते तो मजे के लिए हैं, लेकिन वह आपका एडिक्शन हो जाती है।
यह हम नई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट कह रहा है। दोस्तों, फोन का एडिक्शन सिर्फ आपके लिए नहीं, समाज के लिए भी घातक है। फोन की वजह से बच्चों में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन पोर्न मूवीज पोर्न स्टार यूज प्लास्टिक सर्जरीज टू एनहेंस देयर ब्रेस्ट साइज एंड यूज ड्रग्स टू स्टे इरेक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। दोस्तों, ये ड्रग्स एंड लाइफस्टाइल इन पोर्न स्टार को अंदर से खोखला कर देती है। 90% ऑफ द पोर्न स्टार्स बोथ मेल एंड फीमेल आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड सेक्सुअल डिजीज एंड सम इवन कमिट सुसाइड। दोस्तों, पोर्न मूवी सोसाइटी में रेप का भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक स्टडी, 90% ऑफ द रेप कन्विक्ट्स वर इग्नाइटेड टू कमिट रेप आफ्टर वॉचिंग पोर्न। दोस्तों, बीइंग अ टीनेजर, हमारी भी क्यूरियोसिटी होती है वेब सीरीज, मूवीज और सेक्स सीन देखने की, और ये वेब सीरीज और मूवीज उसी चीज का फायदा उठाती हैं। दे पुश यू टूवर्ड पोर्न। एंड फ्रेंड्स, वॉचिंग टू मच ऑफ पोर्न कैन इवन कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इवन अफेक्ट योर स्पोर्ट्स एंड स्टेमिना। दोस्तों, पोर्न मूवीज हमें महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझने के लिए मजबूर कर देती है, एंड दैट कॉज द रेप एंड डेथ ऑफ विक्टिम सच एज निर्भया, प्रियंका रेड्डी, आशिफा, ट्विंकल एंड थाउजेंड्स अदर। दोस्तों, हमारे इस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद हमारे जैसे टीनेजर्स को सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल डिजीज जैसे गंभीर मुद्दों पर सचेत करना था, क्योंकि हमारे स्कूल शायद इस जिम्मेवारी को भूल चुके हैं। दोस्तों, हम और आप इस सेक्सुअल प्रोसेस से ही हुए हैं, तो यह बुरा कैसे हो सकता है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसे जीवन सृजन होता है। लेकिन सही वक्त पर सही व्यक्ति के साथ करके ही ना सिर्फ आप इस कुदरत के नायाब तोहफे का आनंद ले पाएंगे, ना कि कम उम्र में लापरवाही और गलत और गैर जिम्मेदार व्यक्ति के साथ करके। दोस्तों, सेक्स और पोर्न टीनेजर्स के लिए नहीं है। सो डोंट फॉल प्रे टू दोज अमेरिकन मूवीज, वेब सीरीज एंड इंडियन सेक्सुअली एक्सप्लिकेट वेब सीरीज दैट शोज द टीनेज बीइंग सेक्सुअली एक्टिव, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेज कैन गेट अ लॉट वर्स एंड दैट इज नॉट ऑफ्टन शोन इन दोज शोज। दीज थिंग्स माइट लीड यू इन टू अ क्राइसिस दैट यू माइट नॉट गेट आउट ऑफ इजिली। तो गाइज, रिस्पेक्ट योर सेक्सुअलिटी एंड दैट ऑफ योर अपोजिट जेंडर एंड स्टे अवे फ्रॉम पोर्न, एटलीस्ट फॉर योर टीनेज।